सरावस्थी प्रमुख उपचुनाव मतदान मतगणना शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। 38 मत पाकर अनीता देवी भाजपा समर्पित उम्मीदवार रही। विजयी राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार तीसरी आंख की निगरानी में विकासखंड सिरसिया पर प्रमुख पद हेतु उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों की देखरेख में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एवं सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मतदान एवं मतगणना कार्य संपन्न हुआ। मतगणना के दौरान ज्ञात हुआ कि कुल 110 क्षेत्र पंचायत सदस्यों में से 80 क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मतगणना के दौरान भाजपा समर्थित उम्मीदवार श्रीमती अनीता देवी को 38 मत मिला, जबकि सपा समर्थित उम्मीदवार मैनुद्दीन उर्फ दत्तन खा को मात्र 24 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार श्रीमती अनीता देवी 14 मत अपने प्रतिद्वंदी से अधिक पाकर विजय रही। मतगणना के दौरान 18 मत अवैध पाए गए। प्रमुख उपचुनाव में मतदान एवं मतगणना के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा एवं पुलिस अधीक्षक विजय धुल ने निरंतर चक्रमण कर जायदा लेते रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने विजयी प्रत्याशी अनीता देवी को प्रमाण पत्र प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के समय सांसद दत्तन मिश्रा, जिला अध्यक्ष महाराज कुंवर तिवारी, अपर जिला अधिकारी ओपी सिंह सहित प्रशासनिक पुलिस एवं मतदान से जुड़े अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान सांसद दत्तन मिश्रा ने पहुंचकर विजयी प्रत्याशी तथा कार्यकर्ताओं को बधाई दी। जीत हासिल होने पर कार्यकर्ताओं ने सांसद को माला पहनाकर खुशी जताई। सिरसिया के प्रमुख पद के हुए उपचुनाव में मिली ऐतिहासिक सफलता, भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित सवस्ती से टॉप न्यूज के लिए प्रदीप गुप्ता के साथ कैमरामैन संतोष शाहू की रिपोर्ट। देखते रहिए टॉप न्यूज। जय हिंद, वंदे मातरम।